एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात बताऊं, हमारे एक बड़े है बुजुर्ग हैं, दारुलूम के मोहतरम थे कारी मुतय्यिब साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक बंदा उनके पास गया और लगा, हजरत बहुत मसाइल परेशानियां मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा गम दुख बयान किए, दुआ फरमा दे। फरमाया, दुआ भी करता हूं पर तुझे एक तदबीर भी बताता हूं, दुआ भी करता हूं पर तुझे एक तदबीर भी बताता हूं। उन्होंने तो यह लफ्ज फरमाया था कि जितना हो सके सूरत इखलास पढ़ के सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की रूह पुरफतूह को हदिया करें और उनसे अर्ज करें कि सैयदा आपके अब्बा हुजूर आपकी बात नहीं टालते थे, सैयदा फातिमा की बात नहीं टालते थे। मैं एक बहुत बड़े मुहद्दिस की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े अजीम इंसान की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े अजीम इंसान की। फरमाया कि एक तदबीर भी बताता हूं, सूरत इखलास पढ़ के तदाद उन्होंने नहीं बताई और अर्ज करें, अर्ज करें कि सैयदा आपकी बारगाह में यह हदिया है, आपकी बारगाह में यह हदिया है, और आप अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की रूह की बारगाह में मेरा यह काम कहें, वो अल्लाह से अर्ज करें और अल्लाह ये मेरा काम कर दे, क्यों आपकी सिफारिश आपके अब्बा नहीं टालेंगे। यकीन जानिए, दुनिया का कोई नामुमकिन मसला, मुश्किल मसला, वो रिश्तों का हो, वो रिस्क का हो, वो सेहत का हो, वो कारोबार का हो, वो मुकदमात का हो, वो कोई उलझन हो, कोई किस्म का मुश्किल तरीन मसला हो, यकीन जानिए हल हो जाता है। और मैं एक लफ्ज अभी कह रहा हूं, वो लफ्ज सदा याद रखिएगा, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है।